जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के उपलक्ष्य में विश्राम गृह बिचड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। पलसर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। धूमल के संबोधन से पहले बड़सर से 3 बार विधायक रहे बलदेव शर्मा ने कहा कि धारा 370 का हटना एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं। इसके बाद धूमल ने माइक संभालते ही धारा 370 एवं इसके इतिहास के बारे में प्रकाश डालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 को 35A केवल अस्थायी तौर पर लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर से हुक्मरानों ने हमेशा इसका इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को इतनी देर सुनते हैं। मोदी की नीतियों के कारण ही आज आतंकी देश पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। इसके बाद धूमल ने भारत माता की जय के नारे लगाकर व उपस्थित लोगों व भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करके अपना संबोधन समाप्त किया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के प्रांगण में स्थित 150 साल पुराने प्राचीन मौलसरी वृक्ष का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। मौलसरी वृक्ष की जड़ों में इन दिनों खोखलापन आ गया है, जो पेड़ को धीरे धीरे सुखा रहा है। मंदिर के पुजारियों ने इस पेड़ के उचित रखरखाव और इसकी जांच की मांग मंदिर प्रशासन से की है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर प्रशासन को इस पेड़ की जांच कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के चिकित्सकों से करवानी चाहिए, ताकि इस पेड़ को खत्म होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पेड़ के प्रति लोगों की काफी आस्था है और मंदिर में हजारों श्रद्धालु यहां जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो इस पेड़ में डोरियां और धागे बांधते हैं। ऐसे में इस पेड़ को बचाना प्रशासन की सबसे प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी अविनेंद्र ने कहा कि इस तरह के पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनमें पीपल, बर, अर्जुन, कन्यार, मौलसरी, नीम और पारिजात वृक्ष शामिल हैं, जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर में ये मौलसरी वृक्ष पूर्वजों द्वारा आज से 150 वर्ष पहले स्थापित किया गया था, लेकिन आज ये पेड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। धूप या बारिश में बचाव करने के लिए ये मौलसरी वृक्ष श्रद्धालुओं सहित यहाँ के पुजारियों के लिए किसी छाते से कम नहीं है। वहीं इस मौलसरी वृक्ष के नीचे भजन मंडली का पूरा पंडाल बैठता है। सोलन में 26 सितंबर को विशाल साईं संध्या का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी पंजाबी महासभा के अध्यक्ष विजय पुरी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि उनकी संध्या द्वारा साईं संध्या का आयोजन तीसरी बार करवाया जा रहा है। ये संध्या सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित की जाएगी। मैदान में लगने वाला पंडाल आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक सभी को अपने गीतों से मंत्रमुग्ध करेंगे। उन्होंने सोलन की जनता से अनुरोध किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैदान में पहुंचकर भगवान साईं का आशीर्वाद ले और अपना जीवन सफल बनाए। पंजाबी महासभा के अध्यक्ष विजय पुरी ने बताया कि साईं संध्या में भजन गायक पुनीत खुराना साईं भजनों का गुणगान करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है और वे अपने पद से
पूरी तरह से बट चुका है, इसलिए उन्हें उचित मार्ग दिखाने के लिए और पथ भ्रष्ट हुए युवाओं को सही मार्ग पर लाने के लिए इस साइंस संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोलन के सभी युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी सुनहरी भविष्य की कामना करते हैं।